नाज़रीन आप सबकी खिदमत में सभी ज़ुबैर का आदाब। ईद उल फितर की रौनक खुशियाँ और मसरतें आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे सबको मुबारक हो रोज़ ईद हर राहत व निशात का सामान लिए हुए। ज़िंदगी के तपते सुलगते बेसकून माहौल में ईद का खूबसूरत दिन ठंडी हवा का एक खुशगवार झोंका है, जिससे न सिर्फ फरहत और ताजगी का एहसास होता है बल्कि राहत और ताजगी के साथ साथ जोश उमंग भी पैदा होती है। और जहां पर जोश उमंग हो, मायूसी और नाउमीदी पाँव की जंजीर नहीं बन सकती। लिहाजा ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौके पर हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि नई उमंगों, नए जोश और नई तामीरी सोच के साथ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाइए बल्कि इसके खात्मे की भरपूर कोशिश भी कीजिए। हमारी मुत्तहिद कोशिश हमारी इज्जत और वक़ार की जामिन है। इत्तेहाद में बहुत ज्यादा ताकत है। इत्तेहाद और खुलूस के साथ कौम की तामीरी और तालीमी और माशी तरक्की के लिए राहें हमवार करें। सिर्फ सोची नहीं बल्कि अमल करें, क्योंकि आपका हर तामीरी अमल इनकलाब ला सकता है। आज उम्मत मुसलमा को एक इनकलाब की ज़रूरत है, हिंदुस्तान को इनकलाब की ज़रूरत है। और ये इनकलाब सिर्फ और सिर्फ हमारी तामीरी सोच, एक दूसरे से हमारी मोहब्बतें और एक दूसरे पर हमारे एतमाद ही ला सकता है। रंगीन अफकार जहाँ बन जाएं, शीरीन गुफ्तार बयां बन जाएं, गर कुछ भी न बन पाएं तो सबसे बेहतर, गर कुछ भी न बन पाएं तो सबसे बेहतर हम क्यों न मोहब्बत की ज़बान बन जाएं। ईद उल फितर की खुशियां और मसरतें आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। इस खूबसूरत मौके पर आइए अहद करें कि हम सब मिलकर फ़िरकावाराना हमाहंगी और कौमी यकजहती के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और निहायत इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ हर मौके पर हुब्बुल वतनी का सबूत देंगे और सबको ये बता देंगे कि हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं।